नहीं, वो चेरस यूज के साथ या साइकेडेलिक्स के साथ या ऐसी जो है ना नशे जैसे अल्कोहल है जिससे बंदे की ब्रेकें फेल होती हैं, तो उसके साथ ऐसा होता है, जेन्युइनली लगता है कि समवन इज स्टेयरिंग एट मी, मुझे बड़ा घूर रहा है। लोग रेस्टोरेंट्स में लड़पड़ते हैं, कभी आपने देखा है, पैरानॉइड होता है ना टू अ लेसर एक्सटेंट, तो उसको लोग पैरानोया समझते ही नहीं, हालांकि वो आने वाले बड़े पैरानोया की एक खबर होती है कि कुछ कर लें। पर एडिक्शन और मूड डिसऑर्डर्स में ये भी आम है कि पेशेंट्स और उनके फैमिली मेंबर्स मैल अडेप्ट करते रहते हैं। अडेप्टिव स्किल्स कुदरत ने हमें दे रखी हैं, यानी हम अनटूवर्ड हालात के साथ जो हमें बुरे भी लग रहे हों किसी ना किसी तरह समझौता कर लेते हैं, और किसी हद तक हम बर्दाश्त कर लेते हैं, एक्लेमेटाइज कर जाते हैं, अडेप्ट कर जाते हैं। बट एज दिस अडेप्टेशन इज़ फॉर दी वर्स, तो इसे मैल अडेप्टेशन कहते हैं। इसी वजह से जो चीज़ जनवरी में बुरी लगती है, फरवरी मार्च तक आते आते वो सही लगने लगती है। पहले जिस झगड़े पे बंदा सोचता है कि मैं क्यों झगड़ा किया, इतने इम्पॉर्टेंट इवेंट पर मेरे कज़न की या भाई की शादी थी या घर में मेहमान आए हुए थे या ईद का मौका था, तो वो कुछ टाइम गुजरता है तो वो एक्लेमेटाइज कर लेता है, फिर उसे लड़ना झगड़ना इतना बुरा नहीं लगता। इसकी एक अगली मुनीब शक्ल भी है जो कि इक्वली ख़तरनाक है। जब नशा छोड़ दिया जाता है ना, तो वो पहले झगड़ झगड़ के पैरानॉइड शक्की झगड़ालू होने की आदत पड़ गई होती है, फिर भी लड़ाइयाँ कुछ अरसा चलते रहने का मसला होता है। गोके से ठीक किया जा सकता है कि अगर इंसान ज़रा अपने दिल को कुशादा कर ले, ज़रा अपने सर को झुका दे, ज़रा अपनी ज़िदें छोड़ दे, लेकिन ये भी एक मुसीबत है कि नशा करते हुए जो आदतें पड़ जाती हैं, नशा छोड़ने के बाद एकदम से ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि उन्हें कोशिश करके उनसे जान छुड़वाना पड़ती है। तो कई मर्तबा ये वाला जो कम दर्जे का पैरानोया है, ये अर्ली रिकवरी में भी नज़र आता है। इसकी बड़ी शक्लें हैं, एक तो है ना कि आप मुझे घूर रहे हैं, एक है कि अगर किसी ने मजाक किया है ना, तो लगेगा कि मजाक नहीं किया, इसने मुझ पे कुछ तंज किया है, मैं बस फिर मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे। और भी इसकी शक्लें हैं, ये जो बड़े कम दर्जे का पैरानॉइड आइडिएशन है ना, ये कुछ अरसा चल सकती है, पर इसमें कोई बिल्कुल बेबसी नहीं है। आप और हम मिलके इसे बेहतर कर सकते हैं और करना चाहिए, क्योंकि ये तकलीफ देह है। देखिए, आपको ये सारे काम करने के लिए मैं एक रीज़न दूं एक्सेलेंट सा, क्योंकि ये करने से आपकी अजियत बढ़ती है, एंड यू डोंट हैव टू बी अनकाइंड टू योरसेल्फ। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अपने आप के साथ अनकाइंड हो। दिस डज नॉट मेक सेंस, डू नॉट बी अनकाइंड टू योरसेल्फ। सिगरेट इसलिए ना पिए बिकॉज दिस इज बींग क्रूअल टू योरसेल्फ। झगड़ा इसलिए ना करें क्योंकि इससे आपको तकलीफ होगी, आपका इंप्रेशन भी खराब होगा, आपका इमेज भी खराब होगा, आपके बारे में ट्रस्ट फैक्टर भी डैमेज होगा। ग्रेसफुली छोड़ दें, इतना अरसा झगड़ा कर ही लिया ना, कोई सजा नहीं है, लेकिन इसे मजीद पेनफुल बनाने की जरूरत भी नहीं है। इसके लिए कोई अलहदा से लंबा चौड़ा एहतमाम करने की जरूरत भी नहीं है। यू कैन डू इट बिकॉज इट हर्ट्स, इट हर्ट्स यू, इट हर्ट्स द पीपल अराउंड यू। रिकवरी और सोब्राइटी दरअसल एक लाइफस्टाइल चेंज का नाम भी है। ये सिर्फ एब्स्टिनेंस नहीं होती, एब्स्टिनेंस तो प्री रिक्विजिट है रिकवरी का, यानी हर तरह के नशों से जान छुड़ा लेना, ये तो एक शर्त है, ये तो ज़रूरत है, प्री रिक्विजिट है, इट इज़ रिक्वायर्ड
बिफोर गोइंग इनटू रिकवरी। लेकिन इट इज मोर देन जस्ट एब्सिलेंस, इट इज अ लाइफस्टाइल। और उसमें फिर जरा अपने दिल को कुशादा करना, अपने अंदर इतनी स्पेस तलाश करना कि नए झगड़े ना हों, उसके लिए फिर पुरानी आदत को बदलना पड़ेगा। आपको हैरानी होगी कि कभी आपको अपने अंदर और कभी अपने इर्द गिर्द के रिकवरिंग पेशेंट्स में ये बात दिखाई देगी और आपको लगेगा कि यार इतनी बात तो नहीं थी जितना तुमने रिएक्शन दे दिया। हो सकता है कभी आप आपस में बात भी करते हो। अगर कोई आपसे ऐसा कहे ना, तो उसकी बात को तवज्जो से सुना करें। हमारा दिल भी चाहता है कि हमें कोई बता रहा हो ना, तो हम कहें कि नहीं नहीं ऐसी क्या बात है। हालांकि जो लोग हमें ये बात कह रहे होते हैं ना कि यार भाई आपने ज़्यादा रिएक्ट कर दिया है, इतनी बात नहीं थी, ये जो आपका जी चाह रहा है ना कि आपको गुस्सा आया है, तो अब किसी की गर्दन ही सर से जुदा कर दी जाए, तो दिस इज़ टू मच। ठीक है, आपको बुरा लगा, अच्छी बात नहीं है, बट देन कोई नहीं, हौसला करें, लेट इट पास, गुजरने दें इसे। पर ऐसे मौके पर हमें ऐसे लोग भी अच्छे नहीं लगते, ये आदत भी पुरानी है, बात ना सुनना, इग्नोर करना, बात को सुना अनसुना कर देना कि कोई बता रहा है, कोई फिकर करके कह रहा है कि यार ऐसा ना कीजिए, ऐसा करने से ये ठीक नहीं कर रहे आप, और हम उसकी बात को टाल देते हैं या सुना अनसुना कर देते हैं या जैसे भी, नहीं, इन बातों को तवज्जो से सुनना चाहिए। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।